नमस्कार अश्विन, आज के लेक्चर में हम रेंथ्री एक्सरसाइज 6 का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गाइस, थर्ड क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी को अप्लाई करके। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ए पोर्शन, देखो ए पोर्शन में हमें दिया है 16x² + 24x + 9, इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज का आना जरूरी है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन में आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो मैं आइडेंटिटी को लिख देता हूं। वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² ठीक है। देखो इस आइडेंटिटी में पहले दे रखा है ए स्क्वायर, तो मैं 16x² को ए स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, तो 16x² को मैं लिख सकता हूं 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस मिडिल टर्म को छोड़ देना है, लास्ट में चल रहा है, प्लस बी स्क्वायर है तो लास्ट टर्म क्या है 9 है, तो 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हमें a पता लग गया और b पता लग गया, बीच में लिखेंगे 2, a क्या है 4x है और b क्या बन गया आपका 3। अब देखो जब आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फैक्टराइज हो गया, क्लियर स्टेट। अब बी पोर्शन को करते हैं, देखो बी पोर्शन में दिया है 4p² x² + 4px + 1, इसमें भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो पहले क्या है a स्क्वायर है तो इसको आपको ए स्क्वायर बनाना है, 4p² x² को लिख सकता हूं 2px का होल स्क्वायर, फिर प्लस मिडिल टर्म को छोड़ देना है, लास्ट में चलना है। अब देखो 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हमें a का पता लग गया b का पता लग गया, तो बीच में लिख देंगे 2, a क्या है 2px और b क्या हो गया आपका 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a तो हो गया 2px और b क्या बन गया आपका 1 और इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट c पोर्शन को लेते हैं, देखो c पोर्शन में दिया है 3p³ + 24p² + 48p, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। देखो पूरी एक्सप्रेशन में क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 3 आ जाएगा और दूसरा p आ जाएगा, जब 3p को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा p² प्लस यहां बचेगा 8p और प्लस में 60। अब इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप सोल्व करें, पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं पी का होल स्क्वायर, मिडिल टर्म को छोड़ देना है, लास्ट में है 16, तो 16 4 का होल स्क्वायर होता है, तो हमें ए पता लग गया और बी पता लग गया, तो बीच में क्या लिखेंगे 2, ए क्या है पी और बी क्या है 4, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई 3p और इनटू में ये तो ए है पी और ये आपका बी हो गया 4 इसका होल स्क्वायर, क्लियर। ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब हम डी पोर्शन को करते हैं, डी पोर्शन में दिया है m² x² + 2mn xy + n² y² इसमें भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो पहले हम a स्क्वायर बनाएंगे, m² x² को लिख सकता हूं mx का होल स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर हो गया, अब लास्ट में चलते हैं
एन स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एन वाई का होल स्क्वायर। ये ए मिल गया, ये आपको बी मिल गया, तो बीच में लिखेंगे टू, ए क्या है एम एक्स, बी क्या है एन वाई। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है एम एक्स प्लस बी क्या है एन वाई इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट पोर्शन लेता हूं। यस गाइस, नेक्स्ट ई पोर्शन में दिया है 18x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 32। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 को कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं 2 को कॉमन लेता हूं। तो यहां बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 60। अब इसमें हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर बनाना है, 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 9x स्क्वायर को लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस मिडल टर्म को छोड़ देंगे, लास्ट में चलते हैं बी स्क्वायर, लास्ट में है 16, तो 16 है वो 4 का होल स्क्वायर होता है। a मिल गया और b मिल गया, तो बीच में लिखेंगे 2 a क्या है 3x इंटू बी 4। ठीक है, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो 2 इंटू ए क्या है 3x प्लस बी क्या है 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। अब हम f पोर्शन को लेते हैं। f पोर्शन में हमें दिया है ए स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 2ab x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेना है, x को कॉमन ले लेते हैं। देखो जब मैं x को कॉमन लेता हूं तो यहां बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसमें आराम से आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर लेना है, तो एक्स इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं ए एक्स का होल स्क्वायर, फिर मिडिल टर्म को छोड़ देंगे, लास्ट में चलते हैं बी स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी बी स्क्वायर है, तो ए ए एक्स हो गया, बी आपका बी बन गया, तो बीच में टू ए क्या है ए एक्स और प्लस में सॉरी इंटू में बी, ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x इंटू ए आपके पास है ए एक्स प्लस बी हो गया b इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट z पोर्शन को लेते हैं। z पोर्शन में दिया है 49x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 9। देखो इसमें हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, 49x स्क्वायर ए स्क्वायर बन सकता है और लास्ट वाला बी स्क्वायर बन सकता है, तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को ए स्क्वायर करना है, तो 49x स्क्वायर को लिख सकता हूं 7x का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लेंगे, मिडिल टर्म को छोड़ देंगे, लास्ट टर्म पे चलते हैं बी स्क्वायर, लास्ट में 9 है तो 9 3 का होल स्क्वायर होता है, तो a पता लग गया b पता लग गया, तो बीच में लिखेंगे 2 a आपके पास है 7x इंटू बी आपका 3,
ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 7x माइनस बी क्या है 3 और इसका होल स्क्वायर। देखो यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो इसको हम क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब इसका h पोर्शन लेते हैं। एच पोर्शन में हमें दिया है 9ax² और माइनस 12ax प्लस 4a। सबसे पहले हमें a को कॉमन लेना है तो a को कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा 9ax² माइनस 12ax प्लस 4। अब इसमें हम आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म को ए स्क्वायर करना है, ए बाहर है, 9x² को लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर माइनस लास्ट में 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है, ए हो गया 3x, बी बन गया आपका 2, तो बीच में लिखेंगे 2, ए बन गया 3x, बी बन गया आपका 2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए आपका 3x है और b हो गया आपका 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका h पोर्शन कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट पोर्शन को लेता हूं। अब हम i पोर्शन पे आते हैं। i पोर्शन में दिया है 16m² n² माइनस 8mn प्लस 1। देखो इसमें हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है? वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर करना है तो 16m² n² को लिख सकता हूं 4mn का होल स्क्वायर माइनस लास्ट में बी स्क्वायर, लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये तो आपका a हो गया, ये आपका b बन गया, तो बीच में लिखेंगे 2a क्या है 4mn इंटू बी आपका 1, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a क्या है 4mn माइनस बी 1 इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट j पोर्शन को लेते हैं। देखो j पोर्शन में दिया है 7x³ माइनस 7x² माइनस 14x। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन में हम कॉमन लेते हैं। देखो क्या कॉमन आएगा, एक तो 7 आ जाएगा, दूसरा x आएगा। 7x को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा x² माइनस का x माइनस 2, ठीक है। अब इसमें कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती है तो इसके हम फैक्टर करेंगे। देखो फैक्टर कैसे करना है, फर्स्ट टर्म है x² और लास्ट टर्म है माइनस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x² आएगा। अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करना है कि ऐड करने पर माइनस का x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2x² आना चाहिए। तो जब मैं माइनस 2x और इसमें x ऐड करता हूं तो मेरे को माइनस का x मिलेगा, यानी कि ऐड करने पर माइनस का x बन रहा है और इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना तो मेरे को 2x² मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। तो 7x² माइनस x को हमने अरेंज किया माइनस 2x प्लस x और लास्ट में लिख दो माइनस 2। अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लूंगा तो यहां x बचेगा माइनस का 2, इन दोनों में हम 1 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 2 को कॉमन लिया जा सकता है तो x माइनस 2 कॉमन लूंगा तो यहां बच गया x, आगे बच गया प्लस का 1 और बाहर क्या है 7x, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट k पोर्शन को लेते हैं। देखो के पोर्शन में हमें दिया है p
पी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स। सबसे पहले तो हम x को कॉमन लेते हैं, पूरी एक्सप्रेशन में x को कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू पी क्यू एक्स और प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर बनाना है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं पी एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस और लास्ट में क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू का स्क्वायर। ए मिल गया और बी मिल गया तो बीच में लिखेंगे टू ए, ए क्या है पी एक्स और बी आपका क्यू, ठीक है। ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स इन टू ए क्या है पी एक्स और बी क्या है माइनस क्यू इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर गाइस। अब नेक्स्ट एल पोर्शन को लेते हैं, एल पोर्शन इजी है, 81 पी क्यू स्क्वायर माइनस 81 पी। सबसे पहले तो मैं 81 को कॉमन लेता हूं, उसके बाद पी भी कॉमन आ रहा है, देखो पी को कॉमन ले सकते हैं तो 81 पी कॉमन लूंगा तो यह बचेगा क्यू स्क्वायर और लास्ट में बचेगा माइनस का वन। देखो क्यू स्क्वायर माइनस वन है, वन को मैं वन का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो यहां से एक आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 81 पी ए प्लस बी, ए क्या है क्यू और बी क्या है आपका वन, इंटू ए माइनस बी क्यू माइनस वन, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो इसको आप नोट करें। अब नेक्स्ट मैं एम पोर्शन को लेता हूं, देखो एम पोर्शन में आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 80। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं, देखो क्या कॉमन लेना है, नीचे से 2 को कॉमन ले लो, नीचे से 2 को कॉमन लेंगे तो यहां ऊपर तो रह गया एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 60 माइनस ऊपर वाई स्क्वायर नीचे आपका 9, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2 एक्स स्क्वायर को एक्स अपॉन 16 को 4 इसका होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को लिख सकता हूं एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 ए क्या है एक्स बाई 4 प्लस बी वाई बाई 3 इंटू में एक्स बाई 4 माइनस वाई बाई 3 यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, ये आपका एम पोर्शन कंप्लीट। अब हम एन पोर्शन को लेते हैं, एम पोर्शन में दिया है 2x स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 162y स्क्वायर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 को कॉमन लेंगे, जब हमने 2 को कॉमन लिया तो ऊपर बच गया x स्क्वायर नीचे 49 माइनस ये हो गया 81 का स्क्वायर y स्क्वायर। अब x स्क्वायर अपॉन 49 को क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 7 का होल स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 9y का होल स्क्वायर। देखो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू ए एक्स अपॉन 7 प्लस बी 9y, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स बाई 7 माइनस 9y, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट ओ पोर्शन को लेते हैं, ओ पोर्शन में आपको दिया है 9 पी स्क्वायर अपॉन 25
नाइन पी स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 16 क्यू स्क्वायर अपॉन 49। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3p अपॉन 5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख देंगे 4q अपॉन 7 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 3p अपॉन 5 प्लस 4q अपॉन 7 ये तो हो गया आपका a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी दैट इज 3p अपॉन 5 माइनस 4q अपॉन 7। ठीक है ये o पोर्शन कंप्लीट। अब o के बाद हम लेते हैं p पोर्शन को। p पोर्शन में दिया है 25x² y² अपॉन 36 माइनस 9q² y² z² अपॉन 60। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं 25x² y² को 5xy और 36 को अपॉन में 6 और इस पूरे का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी हम लिखेंगे 3qyz अपॉन 4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 5xy अपॉन 6 प्लस 3qyz अपॉन 4 ये तो हो गया आपका a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी 5xy अपॉन 6 माइनस 3qyz अपॉन 4 ये इसका आंसर हो गया। क्लियर गाइस तो इसको आप नोट करें। अब नेक्स्ट मैं q पोर्शन को लेता हूं। देखो q पोर्शन में क्या दिया है। q पोर्शन में हमें दिया है 16y⁴ माइनस 625। तो 16y⁴ को हम लिख सकते हैं 4y² का होल स्क्वायर माइनस 625 को 25 का होल स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो 4y² प्लस 25 दैट इज ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी 4y² माइनस 25। अगेन देखो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं 4y² प्लस 25 इसको हम लिखेंगे 4y² को 2y का होल स्क्वायर माइनस 25 को लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी 4y² प्लस 25 ए प्लस बी दैट इज 2y प्लस 5 ए माइनस बी 2y माइनस 5। ठीक है इसका आंसर हो गया। अब हम r पोर्शन को लेते हैं। r पोर्शन में दिया 60p³q माइनस 15q³ और p। सबसे पहले तो हम इसमें कॉमन लेते हैं 15pq कॉमन लेंगे। 15pq को कॉमन लेंगे तो यहां कितना बचेगा 4p² और आगे बचेगा माइनस का q² ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 15pq 4p² को लिख सकता हूं 2p का होल स्क्वायर q² को लिख दूंगा q का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 15pq a क्या है 2p प्लस q और इनटू में 2p माइनस q। क्लियर ये आपका r पोर्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम पोर्शन लेते हैं s। देखो s पोर्शन में हमें दिया है a⁵ माइनस a। सबसे पहले कॉमन लेते हैं पूरी एक्सप्रेशन में a कॉमन आ जाएगा तो यह बचेगा a⁴ माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं a इंटू a⁴ को लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक ही बात है।
अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, किसको हम लिखेंगे ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस वन। अब फिर से देखो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन को स्क्वायर लिख दूंगा वन ही रहेगा, तो इसको भी हम ए प्लस वन और इंटू में ए माइनस वन लिख सकते हैं। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस वन, इसको हम लिखेंगे ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन। अब नेक्स्ट टी पोर्शन को लेते हैं। टी पोर्शन में दिया है एक्स वाई क्यूब अपॉन 98 माइनस एक्स क्यूब वाई अपॉन 32। तो इसमें हम 1 बाई टू को कॉमन लेते हैं और एक एक्स वाई भी ले लेंगे ऊपर से, ऊपर से एक्स वाई नीचे से 2। तो एक्स वाई कॉमन लिया, ऊपर रह गया वाई स्क्वायर, नीचे बन गया 49 माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 60। सो एक्स वाई अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 49 को लिखेंगे वाई अपॉन 7 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक्स वाई अपॉन 2, ये आप ध्यान रखें, ए क्या है y अपॉन 7 प्लस x अपॉन 4, ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी y अपॉन 7 माइनस x बाई 4। ठीक है, ये आपका t पोर्शन कंप्लीट। अब हम u पोर्शन को लेते हैं, इसको आप नोट करें, ये लास्ट पोर्शन है थर्ड क्वेश्चन का। देखो u पोर्शन में हमें दिया है x दी पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम डायरेक्ट आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं, ध्यान से अप्लाई करना है। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म को ए स्क्वायर करना है, x की पावर 4 है, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस लास्ट में बी स्क्वायर, इसमें वन है तो हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच में टू ए बी तो टू, ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी आपका वन, ये पूरा बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है वन, तो माइनस वन का होल स्क्वायर। अगेन देखो इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन के होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्यों लिख सकते हैं? वी नो दैट ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में भी देखो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख दूंगा a प्लस बी दैट इज x प्लस वन एक्स माइनस वन। सिमिलरली ये भी हो जाएगा x प्लस वन एक्स माइनस वन। तो x प्लस वन एक्स प्लस वन दोनों सेम है तो इसको हम लिख देंगे x प्लस वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। और इस आंसर के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।